सोचा ही कौन है? वापस चले जाओ फरहत, इस घर में अब तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरा और अपना है कौन आपा? तुमसे दिल का दुख नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? जिन्हें दुख दिए जाते हैं ना, उनसे दुख बांटे नहीं जाते। मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा किया था ना, उसकी सजा भुगत रही हूं। किस्मत ने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया, बर्बाद हो गए मेरे तीनों बेटे। किस्मत को इल्जाम मत देना फरहत, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने वाली तुम खुद हो। तुमने उनकी घुट्टी में लालच डाला है, आज उनकी रगों में बजाय लालच दौड़ा है। तुम हो उनकी बर्बादी की जिम्मेदार। क्यों किया मैंने ये सब, कभी सोचा है तुमने? बेटी का दुख क्या होता है ये तुम क्या जानो? तुम्हारे सर पे शौहर का साया सलामत है, जो कमा के लाता है तुम्हारे लिए। तुम इज्जत से घर में बैठी हो, रूखी सूखी सही मगर इज्जत से खिलाता है तुम्हें अपने हाथ से। कमाने वाले का भरम ही और होता है। ये तो मुझ जैसी औरतें होती हैं, मुझ जैसी जो दर दर की ठोकरें खाती हैं। अरे अपने बच्चों को भूखा भी लगता देखना कैसा होता है, ये मैंने देखा है। जो हसीयत मैंने सही है वो तुम नहीं जानती। जिन औरतों के सरों पे शौहर का साया नहीं होता, दुनिया उन्हें इज्जत से सांस तक नहीं लेने देती। पापा, मैंने तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की इज्जत देखी, वो है पैसा, पैसा, सिर्फ पैसा। बस मुझे दुनिया में इज्जत से सर उठा के जीना था, उसके लिए मुझे जो समझ आया मैंने किया। दुनिया के पीछे भागती भागती मैं भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो गई, जो किसी को चैन से जीने नहीं देती। मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन ये सोच के मुझे माफ कर देना कि मैं ऐसी नहीं थी। मुझे दुनिया ने ऐसा बना दिया, मैंने जितना किया उससे ज्यादा भुगत लिया। आप मुझे माफ कर दो, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ।